सबसे पहले आप वो क्लिप देखें जाके जहाँ पे हमें बकरे मिले थे। यार आज हम बकरे लेने आए थे फिर, और कल हम लोग डीप फ्रीजर ले गए थे, आज ये KFC खा के वापस चले जाने। नहीं यार आज फिर लगता है अच्छा खासा टाइम लग जाने यहाँ पे। बहुत सुबह 10:30 बजे आए थे और अभी तक बकरे नहीं मिले, देखते हैं कब मिले। सुबह के हम लोग आए हुए हैं 11 बजे के और अभी बज रहे हैं तकरीबन 5:30, और फाइनली बकरा मिल गया है, दूसरा भी मिल गया है, ये भी मिल गया है। अब बस इसको रुकी वगैरह में रखते हैं। ये देखिए मेरे पीछे ये रोड से बिल्कुल मिला है, इधर सुजुकी भी मिल ही गई है, तो अब इसको रखते हैं सुजुकी वगैरह में, दूसरा भी मिल गया है और फिर चलते हैं घर। कल ईद है और आज आखिरी दिन पे मिला है हमें आज जाके ये बकरा। लो भाई ये बैल भी आ गया और एक ये बकरा आ गया और एक ये बकरा भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग बॉयज़। क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, और कैसी जा रही है आप लोगों की कमेंट्स में बताइएगा। और इन दोनों को देखें, हम ऐसे बैठे हुए हैं जैसे इनका जनाब जी कुछ होना ही नहीं है, अभी कुछ देर बाद इनका ख़त्म। वो वहाँ पर हो भी गए हैं दो और इनको कोई परवाह ही नहीं। चलो भाई इसका टाइम आ गया, लग गया भाई बैल भी गिरने वाले हैं। लो ये भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ये ना यहाँ पे ओजड़ियाँ इन्होंने फेंकी हुई हैं, तो वो उठा के ले जाने के बजाय पूरी पूरी उसको काट के उसके अंदर से जो गंद है स्मेल है वो वहीं पे फेंक के, और बाकी जो है ना वो लेके जा रहे हैं सिर्फ, तो वो सारी स्मेल हो रही है गंदा, एक बहुत अजीब सी एक स्मेल क्रिएट हो रही है। यार इनको चाहिए कि ये सारी को एज इट इज़ उठा के लेके जाएं, उसको खोल के उसके अंदर से जो गंद है वो बाहर करके स्मेल करके ना जाएं। यार उन्होंने ना वो सारा चीज़ें उठा ली हैं और अब वो क्लियर कर दिया। हमने असल में कंप्लेन करवाई थी इन्हें कि ना उनके जो पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं कि ये आपके CW की गाड़ी आएगी और वो आपको उठा के लेके जाएगी सारा गंदा, तो वो हमने उनको कंप्लेन की थी तो वो उठा के ले गए। The next day। अस्सलाम वालेकुम। तो यार ये ईद का दूसरा दिन है और मैं ईद वाली रात को मैं सोया नहीं था, और कल जाके जब बकरे वगैरह ज़िबा हो गए, बैल ज़िबा हो गए, मैं जाके सो गया, शाम को ही उठा था, और उसके बाद फिर मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सका। तो खैर अब मैं इस टाइम पे अपने घर की छत पे मौजूद हूँ जहाँ पे आसानी से नहीं आया जाता, और व्यू देखें, व्हाट अ व्यू यार। तो खैर अभी चेक करते हैं क्या सीन्स हैं। तो अभी यहाँ पे इस वजह से आए हैं कि ना देखना है, आपको पता है ईद, इस बड़ी ईद के बाद, बकरा ईद के बाद एक छोटा सा इवेंट होता है जो हर घर में होता है तकरीबन, हम लोग दोस्तों के साथ करते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. यहाँ पे जना फुल फोटोग्राफी हो रही थी और
अंकल ने भी घास वगैरह सारी काट दी है, साफ़ कर दिए जगह, और अब चलते हैं कहीं और, फिर कोई और काम देखते हैं, कोई और करने वाला काम है तो वो करते हैं, और दूसरा कल फिर यहाँ पे इंजॉय होगा। ओके वेफल जाना के एफ सी ईद वाले दिन के एफ सी ये सारे वो बर्गर बच्चे हैं ना जो गोश्त वगैरह खाते हैं ना, स्मेल आती है भाई ने। बारबेक्यू कल किसने करना है? हम ही लोगों ने करना है, लेकिन वो जरा एक और इवेंट होता है। चिकन तो नहीं फिर करना यार, वो व्यू तो ठीक था, लेकिन इस टाइम पे जो सनसेट बिल्कुल दो पहाड़ के बिल्कुल एज पे है ना, ये दीवार और क्या माहौल लग रहा है, क्या व्यू है। तो यार मैं नीचे आ गया हूँ और कल ही करेंगे जो करेंगे। अब वहाँ अंधेरा भी हो गया था, रात हो गई थी, अब आराम से कल सेटअप वगैरह करेंगे। तो यार इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।